सिफू के सामने लगातार 12वें दिन धरना जारी है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए कड़ाके की ठंड में वो बैठे हैं, लगातार अपनी नारीबाजी के माध्यम से वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मांग की जा रही है कि 8 कैटेगरी जो भर्ती है उनको तुरंत नियुक्ति प्रदान की जाए, जो भी फर्जीवाड़ा हुआ उनको साइड करके जो 110% क्वालिफाइड है उनको नियुक्ति दी जाए। शिक्षा मंत्री से और दलाल सरकार से उन्होंने मांग की है, सीएम दलाल सरकार से, कि कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियाँ हैं वो जल्द से जल्द पूरी जाए। तमाम जो अभ्यर्थी बैठे हैं अपने दम पे या अपने स्तर पे खाना वाने बनाने की व्यवस्था यहाँ पे शुरू की है इन्होंने। रहने उठने खाने सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वहाँ पर टोटा है। सरकार द्वारा कोई भी इनकी तरफ संवेदना नहीं दिखाई गई है हाल फिलहाल तक, लेकिन हाल फिलहाल मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि आखिर में कब तक ये धरना चलना है और कब तक ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत है, मैं फार्मासिस्ट कैडर से हूँ। आज खाने की व्यवस्था हमारी टीम फार्मासिस्ट कैडर के द्वारा देख करी जा रही है। कम से कम 50 किलो गोभी और 50 किलो आटा, कम से कम हमने 4000 लोगों की रसोई तैयार स्वयं करते हैं, हम खुद करते हैं। पूरी व्यवस्था आप देख पा रहे हो, 50 किलो हमारे पास आलू है, 50 किलो ही गोभी है और साथ में पूड़ियाँ हैं, 100 किलो आटा लगेगा। और मेरा राज्य सरकार से और अधिकारियों से यही निवेदन है भाई, कब तक हम इस सर्दी के अंदर इस टेंट में पड़े रहेंगे? हमारी जायज मांगे, हमें नियुक्ति चाहिए, हमें नियुक्ति दें और हम हमारे घर जाके आराम से रह सके। हमारे घर वाले हमारे इंतजार कर रहे हैं। आज धरने का 12वां दिन है, हमारी 3 बहनें बिल्कुल बेहोश की हालत में हैं, ना यहाँ कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, ना नगर निगम की जो गाड़ी लगाई है इसमें पानी की व्यवस्था है। महिलाएं खुले के अंदर ढूंढती फिर रही है भाई कहाँ सोच जाएं, और हमारे जो भाई लोग हैं वो भी बहुत दूर जाते हैं सोच वोच करने के लिए। मेरा सरकार से और प्रशासन से अनुरोध है कि वह तुरंत संज्ञान ले और हमारी जायज मांगों को तुरंत माने और हमें नियुक्ति दे और ताकि हम यहाँ से जा सके। आज 12 दिन हो गए हैं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगभग डेली हमें बिल्कुल सर्दी से और असुविधाओं से गुजरना पड़ रहा है। क्यों भाई? हमने कोरोना के समय सरकार की रीढ़ की हड्डी बन के काम किया। 254.60 रुपये जो हमारा मानदेय वेतन होता है संविदा कर्मचारी का, उस पर हमने काम किया, हमने उसमें परिवार भी चलाया है, कुछ अपनी ज़रूरतें भी पूरी करी है। मगर आज हमारे साथ ऐसा चला हुआ क्यों सरकार का? राज्य सरकार से और प्रशासन से और कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है भाई, आप महंगे महंगे थालियों में रोटियां परोस के खाते हो, पनीर मटर की सब्जी वीआईपी डिश खाते हो, मगर आज हम सामयिक यहाँ सभी भाइयों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमें फटाफट ज्वाइनिंग दे ताकि हम इस बवंडर जार से निकल सके। जो 10 साल से हमने कोरोना, 10 साल से हम संविदा कर्मचारी हैं, नौकरी संविदा पे हमने मानसिक प्रताड़ना झेली है, उसकी नियुक्ति हमें मुक्ति चाहिए उस चीज़ की। हमें नियुक्ति दो, हमें नियुक्ति दो ताकि हमारा भी भविष्य उज्जवल हो, हमारा भी परिवार सिक्योर हो, हम समाज में जा सके। तो ये कह सकते भाई हाँ परमानेंट हम चिकित्सा कर्मी हैं, ना कि संविदा कर्मी। विश्वजीत, एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि आज सुखद पहल हुई है, कहीं ना कहीं सरकारी तरफ से न्योता है, आपको डेलीगेशन के लिए बुलाया गया है, लगता है कि आपको अभी आपकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है? बिल्कुल, आज आटो कैडर्स के हमारे एक एक प्रतिनिधि को हम भेजेंगे और अगर सरकार हमें लिखित में आश्वासन देती है तो ही हम उठेंगे, हम कोरे आश्वासन पर नहीं उठेंगे। क्योंकि कई बार भी हम बैठे थे लॉकडाउन उसके आचार संहिता से पहले बैठे थे, हमारे साथ छलावा हुआ था, वो छलावा हमें बर्दाश्त नहीं है। हम लिखित में आश्वासन लेंगे और बाकायदा कैलेंडर के साथ ही हम यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हम यहाँ सिफू धरना स्थल को खाली नहीं करेंगे। लगातार हमारा संघर्ष और धरना जारी रहेगा। हमारे 11 कर्मिक अनशन पे हैं, जो डेली कर्मिक अनशन कर रहे हैं उनकी तबीयत नासाज है, बिगड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। हमारे और साथी आ गए हैं, और साथी भी कर्मिक, आज 11 हैं, कल 55 होंगे, परसों 500 होंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम 20,546 लोग कर्मिक अनशन पे बैठेंगे और हम हमारी मांग मान के ही उठेंगे, अन्यथा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। देखिए, ये विश्वजीत हैं, लगातार जो अपनी मांग है वो धरने के माध्यम से दिया जा रहा है। मांग की जा रही है कि कहने की नियुक्तियाँ जो है ऑर्डर कैटर की वो पूरी की जाए, सरकार द्वारा मांग की जा रही है, विनम्र निवेदन किया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। बट मैं सरकार से ये न्याय चाहता हूँ क्योंकि हमारी वैकेंसी फार्मासिस्ट की 8 कैडरों में 7 की प्रोविजन लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन फार्मासिस्ट की नहीं। क्यों? रिसेंटली मतलब 10 साल से वैकेंसी नहीं हुई फार्मासिस्ट की है। सरकार ने फ्री मेडिसिन स्कीम 2013 में लागू की थी, उसको पेरेंट नंबर पे वर्ल्ड में लाने का ही रोल ही फार्मासिस्टों का है। लेकिन मेरे चीज़ एक समझ नहीं आती, 12 साल से अगर फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं हो रही, वो अल्प वेतन में काम कर रहे हैं संविदा पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो 40+ हो गए, 50% फार्मासिस्ट ऐसे 40-45+ है, तो वो कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जस्टिस करें और 20,000 लोगों को न्याय प्रदान करें। ये देखिए, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे है कि सुनील तिवारी विपक्ष के अध्यक्ष पहुंचे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने पूर्व में अल्टीमेटम देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर अल्टीमेटम के बाद भी सरकार नहीं जागती तो गेट बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ कर्मचारियों की गाड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा। कहाँ तक समझते हैं कथन से? देखो सर, इस चीज़ से मैं थोड़ा ये कहूँगा, क्योंकि हमने पहले आचार संहिता से पहले ये स्ट्राइक अपनाई थी,
लेकिन हमको न्याय नहीं मिला तो हमको सरकार से थोड़ा ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। तो हम इन चीज़ों को इनके भरोसे से जब तक हमको रिटर्न में कुछ वो एविडेंस नहीं मिलेगा तब तक हम इस चीज़ से सहमत नहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी नेता कुछ भी कहें, हम मानते हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, साथ भी देंगे, लेकिन हम कोरे आश्वासन से नहीं उठेंगे जब तक हमको बात आश्वासन की नहीं, बात उनके कथन की हो रही है। जो उन्होंने आपको आह्वान किया है गेट बंद कर दिया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से, और तो ये भी कहा है कि जो कर्मचारी है सिफू के उनकी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया जाएगा, गाड़ियों को रोक दिया जाएगा, आने जाने नहीं दिया जाएगा, कहाँ तक सहमत है? सर देखो, इस चीज़ का मैं अभी नहीं कहूँगा। अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती तो हो सकता है हम आगे की रणनीति अपना के हमारे जो भी डेलीगेशन जो भी चीफ हुए हैं गेस्ट वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। इस बात का ऐसा रहेगा सर। बाकी आप देख ही रहे हो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, खाने वाने की व्यवस्था है, हम लगभग रिसेंटली लास्ट 15 दिन से कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है सरकार को एक बार आके बात करना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसलिए थोड़ा देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। विश्व जो सुनील तिवारी पहुँचे थे अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने भी कहा था, आह्वान किया था, लेकिन हाल फिलहाल की अभ्यर्थी जो हैं उनकी जो दिमाग है या उनका मानस है वो ऐसा कुछ करने का नहीं है। ठीक है, उनका ये कहना है कि समर्थन उनका वाजिब है और समर्थन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो उन्होंने ये कहा गेट बंद करने को तोड़फोड़ की बात कही वो कहीं ना कहीं एक सिरे से निकाल दिया गया है। तमाम अभ्यर्थी मौजूद है हमारे साथ, अभ्यर्थी मौजूद है, क्या नाम आपका, कहाँ से पहुँचे? मोहन सिंह, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी पाकिस्तान जो बॉर्डर पे गरडा रोड लगता है वहाँ से मैं हूँ, नर्सिंग कर्मी हूँ और मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो मैं सर आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से सरकार से यही मैं आह्वान करता हूँ कि यहाँ पे जो हड़ताल पे जो लोग बैठे हैं इनकी मांग सुनी जाए और इनकी जो मांग है वो आप पूरी करें ताकि ये सारी नियुक्ति लेके अपने अपने घर जाएं और अपने परिवार के पास जाके रहें। अभ्यर्थी हैं उनको साफ साफ कहना है कि सरकार को विनम्र निवेदन है कि अब सरकार को चेतना चाहिए। 12 दिन हो गए हैं, पता नहीं कितने 12 दिन निकल जाएंगे यहाँ पे। अपने खर्चे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, बात करें सोने की दिक्कत हो रही है, रजाइयों का टोटा है, लेकिन रजाइयाँ जो मंगाई जा रही है वो उसकी बूंदों में गीली हो जाती है क्योंकि खुले आसमान तले इनको सोना पड़ रहा है, एक टेंट की पतली सी चादर के नीचे जो सोना पड़ रहा है। और महिलाएं जो हैं, सबसे खास बात यह है कि महिलाएं यहाँ पे खुले में सोच रही है, जब भी कोई ना कोई अनहोनी का कहीं ना कहीं हमेशा भय रहता है इनको। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो लगातार रात को पहरा देते हैं, अपने दम पे अपने स्तर पे यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, बावजूद इसके सरकार जो संवेदनशील कही जाती है वो अभी तक हाल फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आई है। सरकार कोई भी नुमाइंदा, बात करें सरकार के द्वारा कोई भी अभी तक पहल नहीं की गई है। हालांकि एक बात सूचना आई है कि कहीं ना कहीं जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं पहल कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से पहुँचे हैं? मेरा नाम दयाराम है, मैं करौली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं LT कैडर से हूँ, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, लेकिन अभी तक भारत जो राजस्थान सरकार है वो अपने आप को जो संवेदनशील कहती है वो सरकार कहीं ना कहीं संवेदनहीन नजर आ रही है। जो अभी तक इन अभ्यर्थियों की ना पीड़ा सुनने को तैयार है, ना इनसे बातचीत करने को तैयार है, ना 1-to-1 से बात करने के लिए तैयार है। तो ये सरकार जो है अपने आप में फेल होती नजर आ रही है और जो अभ्यर्थी हैं उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद है वो टूटती हुई नज़र आ रही है। तो मैं राजस्थान सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अगर इन युवाओं को न्याय देना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनकी मांगों को सुना जाए, इनकी बात को सुने और इनको न्याय दें। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह है कि लगातार जो नेता हैं वो आपके अंदर की करें, चाहे विपक्षी कर लें चाहे विपक्षी कर लें, एक भी नेता नहीं है। हाल फिलहाल सुनील तिवारी जो विपक्ष के अध्यक्ष वो पहुँचे हैं, क्या लगता है कि विपक्ष भी आपके पक्ष में नहीं है? नहीं सर, विपक्ष का भी अभी तक इस तरह का कोई रोल नहीं है, ना ही पक्ष का रोल है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तक हमारे पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं है, ना ही हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार है, ना पक्ष वाला ना विपक्ष वाला। विपक्ष वाला तो अगर कुछ कर ही नहीं सकता इसमें, लेकिन पक्ष वाले भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं कर नहीं सकता, लेकिन आपकी मजबूती जो मांग है उसको मजबूती प्रदान कर सकता है यहाँ पे आके प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सर वो भी कोई यहाँ पर आया नहीं है किसी तरह का कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आके हमारी बात को ना तो सुना है, ना ही किसी तरह का कोई मैसेज अभी तक गवर्नमेंट के पास। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम मैसेज यही देना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको हमारी नियुक्ति दी जाए और हमें अपने अपने घरों पर भेजा जाए। ये अभ्यर्थी हैं जो अपनी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हैं। एक अभ्यर्थी और जुड़ चुके, क्या नाम आपका? मेरा नाम सर बाबूलाल गोदारा है, मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पाकिस्तान जो पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है वहाँ से कम 50 लोग यहाँ पे रोजगार पड़े हुए हैं 18 तारीख से। और ये देखो सर, वो सरकारी जो अफसर हैं वो तो वहाँ थालियों में भोजन खाते हैं, लेकिन हमारी ये बेरोजगारी की रसोई यहाँ लगी हुई है। लेकिन सरकार आज 18 तारीख से, आज 12वां दिन होने आया, लेकिन हमारी मांग नहीं मान रही है। हम सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति चाहते हैं, एकदम लीगल नियुक्ति। हम ना तो वो बोल रहे हैं कि ये फर्जी है, फर्जी वगैरह कुछ नहीं हो के, सिर्फ और सिर्फ हमने 5-5 साल खराब करे हैं DMLT एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स करने में 2015 से 2019 तक, लेकिन आज सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको धरना देने के लिए, अपनी मांग को मजबूती देने के लिए शरीर चाहिए, शरीर आप डाउन कर रहे हैं क्योंकि लगातार 12 दिन है, एक समय रोटी खा रहे हैं आप, खाना भोजन ले रहे हैं, तो कहाँ तक शरीर आपका साथ देगा? तक
अब देखो सर, देखो हम अब बोलने में भी इतनी दिक्कत हो रही है कि 18 तारीख से एक टाइम भोजन खा के हम यहाँ पड़े हैं, ना तो हमारे पास कोई पहनने की है, ना कोई ओढ़ने का है, इतनी सर्दी पड़ रही है, लेकिन तो भी एक संवेदनशील सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तो फिर कैसे काम। और एक युवा राजस्थान में, और राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में ही एक युवा है जो इस सरकार को बनाने के लिए आगे आया है और बनाई भी है। राजस्थान में युवाओं ने ही सरकार बनाई है, लेकिन युवाओं की भी नहीं चुन ली है। युवाओं से छलावा यहाँ पे कहा गया है कि छलावा किया गया युवाओं से। एक अभ्यर्थी और, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम अनिल है, मैं जुनो सेकावाटी क्षेत्र से आया हूँ। मेरी कोई जोनिंग नहीं, मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये 20,000 कुछ पदों के ऊपर वैकेंसी थी और गवर्नमेंट ने पीवी लिस्ट निकाल दी है और इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गए हैं, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दी। ओनली 4-5% काम इनका बचा है। और जैसे कांग्रेस सरकार ने इनको ज्वाइनिंग नहीं दी तो उनको लूज मोशन की ऐसी टेबलेट दी कि अभी तक उनके 10 लगे हुए हैं। और हो सकता है अगर बीजेपी सरकार भी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे तो ऐसी लूज मोशन की टेबलेट तैयार कर रखी है कि एक घर से एक बंदा तो 5 वोट से कम है। 5 वोट तो एक बंदे के पीछे कन्फर्म है, ये तो आपको पता है। फिर भी अगर ये 5 वोट कांग्रेस के अंदर चले गए तो इनको सोचना चाहिए कि 20,546 × 5। और ये नहीं कि केवल 5 वोट, तो खुद घर घर परिवार के हैं, रिश्तेदारी भी हैं, बुआ बाण भाई भी हैं और भी हैं, तो इनको ऐसी कुल मिला के ये माना जाए कि आपकी जो मानस है कि अगर आपकी नियुक्ति नहीं मिली तो सरकार को 2024 के जो चुनाव होने लोकसभा में उनमें आईना दिखाने का मानस पूरा बना बना लिया है। पर मैं छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल ही पप्पू आना पड़े यहाँ पे, चाहे हमें पप्पू को लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लास्ट में मजबूर होंगे तो करेंगे क्या। अशोक गहलोत ने हमें मीठी ऐसी टेलबेट दी कि हम चूसते रह गए यहाँ पे। अभी देखो मेरे को 5 दिन तो मैं खुद आ चुका हूँ, जबकि मेरी कोई जोनिंग नहीं, मैं अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे आता हूँ बार बार। मैं सेकावाड़ क्षेत्र जोनू 270-280 किलोमीटर बढ़ता है यहाँ से, और मैं यहाँ पे आता हूँ साथ में। तो आपको पता है इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में, वहाँ पे तो -1 डिग्री में पारा जाता है टेम्परेचर। वहाँ से सुबह 5-6 बजे मैं चलता हूँ यहाँ पे पहुँचता हूँ, तो आप सोचो मेरे को कितनी तकलीफ होती हुई। कल भी मैं यहाँ पे आया था और आज भी आया हूँ, और 4 बार मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट अगर जल्दी से जल्दी जोनिंग दे तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा मेरे हिसाब से तो। और भजनलाल सरकार भजनगाने में व्यस्त होने की बजाय ना इनको जोइनिंग दे तो बहुत ही बढ़िया फायदा है मेरे हिसाब से तो। तमाम जो अभ्यर्थी हैं अपने अपनी जो परिजन हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पे, अभ्यर्थी जो हैं खुद पहुँचे हैं यहाँ पे अपनी मांग को लेकर, नियुक्ति की मांग को लेकर। लगातार भजनलाल शर्मा है, डबल इंजन की सरकार संवेदनशील सरकार कही जाती है, रामराज की सरकार कही जाती है। बकायदा इन्होंने झंडे ले रखे हैं रामराज के, राम के स्लोगन लिखे, नारे लिखे यहाँ पे, केसरिया रंग के झंडे भी हैं। राहुल गांधी को बुलाने की यहाँ पे बात कही गई है कि यदि समय रहते हमने की मांग को नहीं माना गया तो राहुल गांधी को यहाँ पे बुलाना पड़ सकता है, जिसका समय जो खामियाजा है वो सरकार को भुगतना पड़ सकता है। 2024 चुनाव जो है लोकसभा वो आने वाले हैं, अब उन्होंने चुनाव में जो है लोकसभा में उन्होंने आईना दिखाने की बात भी उन्होंने कह दी है। सहयोगी संध्या शर्मा के साथ संदीप रावल, नगरी मीडिया जयपुर।